मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ। ये रतिउरा मोड़ का युवा महोत्सव कप सम्मेलन, माइक थोड़ा सही रख दीजिएगा, बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। कपिल जी वो वाला माइक जरा दीजिए, हाँ ये वाला दीजिए, हेलो ये वाला सही है, हेलो आवाज जा रही है, सही वहां वहां रख दीजिए वहां। हेलो हाँ, मेरे बीच में सभी कवियों का परिचय हो गया, समय गंवाने का वक्त नहीं है क्योंकि हाँ हेलो हाँ, साजे आवाज ये नगमा मेरा ले जाइए, जिंदगी की कैद से मुझको छुड़ा ले जाइए। मैं कौन हूँ अब आपको ये याद तो होगा नहीं, तो आप अपने नाम से हमको बुला ले जाइए। एक जोरदार तालियां हो जाए, कार्यक्रम की शुरुआत करने चल रहे हैं कि सभी कविता को सुनने का निराला मन बनाए हैं। बहुत ही दूर से कविगण हमारे बीच आए हैं। बहेगी कब की गंगा रतिउरा मोड़ आंगन में, बिहारी लाल जी गागर में सागर भर के लाए हैं। आपकी तालियां धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, तालियों का घनत्व तो बढ़ता जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जितने लोग हैं सब बहुत अच्छे से सुनेंगे। और कवियों से निवेदन है, अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी रचना आज रतिउरा मोड़ में पढ़कर जाएंगे। और मैं बहुत ही भाई कुमार कपिल अभी बार बार कह रहे थे कि कई एक सालों बाद, तो हमको लगा कि ये कह रहे हैं इन सालों का इंतजार कर रहा था एक साल बाद, तो हम लोग खैर आ गए। कई भाव उसमें निकल रहे थे, ये प्रेम का भाव है। और ये आप समझ लीजिए कि होली और फगुआ का रंग आप पर चढ़ने वाला है। और अब बहुत दूर चुकी होली नहीं है, इसलिए उसके भी रंग में आपको बोर कर जाएंगे, ताकि आप लोग आज हम लोगों से होली खेल लेंगे, कल की होली हम लोग अपने अपने गांव में खेलेंगे। इसलिए मैं चार पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि आप लोग गाँव के लोग हो, गांव से शहर का निर्माण हुआ है, इसलिए किनारे नहीं है, ये बेलन नदी का किनारा है। ये कोराव बहुत ही खूबसूरत, जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है, और ये बेलन नदी का तट है। तो हमने इस पे चार पंक्तियां कोराव युवा महोत्सव के उन साथियों के नाम, भाई कुमार कपिल, पवन चौधरी और हमारे पुष्पराज कुशवाहा और हमारे रेवती रमन भाई और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, भाई अरविंद तिवारी जी और आर के कुशवाहा और उनकी पूरी टीम के लिए। मैं धीरे धीरे सबका नाम लेता रहूंगा। अब भाई हमारे बीच में राम और कुशवाहा जी मौजूद हैं। मैं कुशवाहा जी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं सर आपका बड़ा नाम सुनता था, आज आपको देखा, आपकी सरलता शालीनता आपको कहीं कहीं राजनीति और सामाजिकता से जोड़ देती है। एक तालियां हो जाए जो नारे, मैं बहुत ही प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में भाई शशिकांत द्विवेदी जी उपस्थित है, मैं प्रणाम करता हूँ, जो कोराव महोत्सव के कलाधार हैं हमारे बीच में। मैं उनसे चाहता हूँ कि बिल्कुल हर साल आगे की पंक्ति में बैठ कर सुनते हैं। भाई शशिकांत भाई, आपको बड़ा स्नेह, और आपकी खासियत यह है आपकी पूरी टीम की कि आपने वैमनस्यता रखी है। आप दोनों कार्यक्रमों को सफलता देने के लिए जरूर उसमें तत्पर रहते हैं अपने साथियों के साथ। आपकी ये खासियत इंसानियत को कहीं ना कहीं से सहारा देती है और मोहब्बत को कहीं ना कहीं से जन्म देती है। इस मोहब्बत को सलाम करते हैं, इस कौमी एकजहती को सलाम करते हैं, इस भाईचारे की ताकत को प्रणाम करते हैं जो कोराव की धरती में बोई जाती है। बेलन नदी का तट है और आप लोगों की यहाँ भीड़ है, तो कहना चाहते हैं किनारे नहीं है, नदी के अधर है। ये बेलन नदी का किनारा नहीं है, मैं कल्पना करता हूँ कि ये जैसे कोई नायिका है आपकी बेलन नदी, किनारे नहीं है नदी के अधर है, जिसे चूमने हर लहर आ रही है, कि जैसे कोई गांव की भोली लड़की फुदकते फुदकते शहर जा रही है, जैसे कोई गांव की। इसलिए कहते हैं, इसलिए मैं चार पंक्तियां आप लोगों के बीच में
कि एसी कूलर पंखे हो पर नीम की छांव जरूरी है, एसी कूलर पंखे हो पर नीम की छांव जरूरी है, शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी है। पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ, पर जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। मैं बड़े आदर के साथ हमें जो नाम यहाँ से पौन भाई जो नाम यहाँ हमें चाहते हैं कमेटी के लोग जो लोग आए कुछ लोगों को हम जान रहे हैं वो हमें उनका नाम लिख के देते रहे ताकि माइक से उनका आवाज हम देते रहे। और भीड़ बढ़ती जा रही है, कब सम्मेलन एक सुनहरे समय में हो रहा है, धूप बहुत ही बढ़िया से हुआ है, बिल्कुल बसंत जैसा मौसम धीरे धीरे आपके बीच में उपस्थित हो रहा है। ये फागुनी प्यार के साथ आप लोगों का प्यार यहाँ मनोहार मिल रहा है कि राधा का रूप लाल लाल हुआ फागुन में, कान्हा का प्यार इंद्रजाल हुआ फागुन में, कलियों का सुर्ख सुर्ख काल हुआ फागुन में, पूरा ये मौसम ससुराल हुआ फागुन। जो भी हुए बहुत अंत संत हुए फागुन में, पी के सब भंग नील कंठ हुए फागुन में, फागुन की बात बड़ी न्यारी है भैया, अच्छे से अच्छे यहाँ लंथ हुए फागुन में। आप सबको बहुत ही नमन करता हूँ, जितने लोग उपस्थित हैं, कभी लोग बिल्कुल बेताब है आप लोगों के सामने आने के लिए, और जितने लोग मेरे बीच उपस्थित, मैं देर बिल्कुल नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूं कि चार पंक्तियों से मैं आपके बीच में पहुंचना चाहता हूं। कहते कि इसी गली में वो भूखा किसान रहता है, इसी गली में वो भूखा किसान रहता है, ये वो जमी है जहां आसमान रहता है, मैं डर रहा हूं हवा से ये पेड़ गिर न पड़े कि इस पे चिड़ियों का एक खानदान रहता है। तब चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि दुल्हन ने सिंदूर दे दिया और पहन ने राखी दे दी, बूढ़े माता पिता ने भी अपनी दोनों बैसाखी दे दी, बच्चों ने किलकारी भरकर अपना बचपन दान कर दिया और शहीदों ने सर देकर ऊंचा हिंदुस्तान कर दिया। पुलवामा के शहीदों को नमन, और आप लोग मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, और निराश कहीं भी न हो, युवा शक्तियां हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करती रहे। सिर्फ चार पंक्तियों से मैं आपके कार्यक्रम में बाणी वंदना के लिए छत्तीसगढ़ की धरती से चलकर बड़ी मेहनतों से अभी जी न्यूज चैनल में अपनी रिकॉर्डिंग देकर के आई है। अच्छा भाई सुशील कुमार शुक्ल हास्य के कवि हैं, उनसे निवेदन है कि आप मंच पर आ जाएं। भाई सुशील जी, अरे भैया भैया वहां बैठा है, हम तो आपके चित्ते रहे लेकिन हम कहे आज शशिकांत भैया जना नहीं छोड़ता था, अच्छा लगत बा, ये प्यार ये मोहब्बत है। हमने इनसे सुशील भाई से कहा शशिकांत भाई कि आप इस उम्र में मोहब्बत को किस तरह से अंदाजते हैं, हमने कहा आप इस उम्र में मोहब्बत में वक्त को किस तरह खर्च करते हैं, बोले अंबर भाई कर तो कुछ नहीं पाते पर अब भी खिड़कियां खोल के नेटवर्क सर्च करते हैं कि कहीं न कहीं से कुछ मिल जाए। हमने कहा चलिए भाई सुशील जी आ गए, सुशील जी आपका पूरा सम्मान है, कहां बैठ गए, बस बस आपका स्नेह मिलेगा, आपको जानता तो था मगर आज मैं शायद पहली बार आपको सुनूंगा। जो कभी इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि यहाँ हर साल नए कवि आते हैं, पुराने फिर आते रहते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है युवा टीम की, रतिवरा मोहन के इस कार्यक्रम की, कि यहाँ नए लोग आते रहते हैं और नए लोग आने भी चाहिए, क्योंकि कवियों की आदत बड़ी खराब है, जो रचना एक साल सुनाते हैं वही 10 साल तक सुनाते हैं। हमारे जो बड़े कवि हैं देश के, वो पिछले 20 सालों से जो रचना सुना रहे हैं उसी रचना का पेमेंट पिछले 20 साल से ले रहे हैं। चाहे मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यूट्यूब पे आप सुनते होंगे, हमेशा रचना नई होनी चाहिए। मैं विद्या नेहा दुबे जी जो छत्तीसगढ़ की धरती से चलकर पिछले वर्ष आपके कार्यक्रम को चार चांद बनाया, मैं उनको फिर इस बार उनको टीम में बुलाने का फैसला किया। उनसे निवेदन है कि आप पिछले वर्ष से अधिक अच्छा पढ़ेंगे और आप अधिक अच्छा सुनेंगे, दोनों की गारंटी लेते हैं। अब छत्तीसगढ़ से
उनको बुलाए हैं तो मैं माँ सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत मैं चाहता हूँ करना चाहता हूँ। मैं चार पंक्तियों से यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे वो लोग बैठे हैं मेरे सामने जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। मेरे सामने इतिहास बदलने वाले लोग पुराणों के लोग बैठे हैं। जहां जहां तालियां अच्छे लगे, जहां जहां पंक्तियां अच्छी लगे, तालियों में जरूर बदलिएगा, क्योंकि तालियां जब बजती हैं तो ऐसे लगता है हम लोगों को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो इसलिए उसका एहसास बहुत ही अच्छुले होता है। जब आप तालियां बजाते हो और हम तालियों की गड़गड़ाहट में कविता पढ़ के जाते हैं तो हम लोग अपने परिवार में उसकी चर्चा करते हैं, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपनी औरत से, अपने बच्चों से, कि आज हमें फला जगह तालियों के साथ सुना गया, ये वीडियो उपलब्ध है। और जब तालियां नहीं बजती हैं तो हम लोग उस वीडियो को दिखाते नहीं है, छुपा लेते हैं, क्योंकि जब तालियां नहीं बजते तो लड़के हमारे जो कवि मित्र मंच पर उपस्थित हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन कवि मित्रों की है, कवियत्रियों की है, शायरों की है कि यदि आप माइक पर पढ़ते हुए कवि को अच्छा नहीं सुनेंगे तो ये आप तय कर लीजिएगा जब आपका नंबर आएगा तो हो सकता है आपको भी कोई न सुने। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने पेमेंट लिया है तो आपकी अधिक जिम्मेदारी है, जिन्होंने एक पैसे नहीं लिए हैं आप उनसे क्यों उम्मीद करते हैं वो ताली बजाएं, तालियां हो जाए यार। मैं आपको बड़ा निवेदन करता हूँ, इसलिए कवियों की भरपूर जिम्मेदारी, पूरे मंच को सजाए रहे, जो भी कवि कविता पढ़े उनको आप अपनी ऊंचाइयों से उनका स्वागत करें, तालियां बजाए, पब्लिक में आप अच्छा प्रदर्शन करें। मैं सबको बड़ा नमन करता हूँ। सिर्फ चार पंक्तियों से मैं दिव्या नेहा दुबे जी को बुलाना चाहता हूँ, शशिकांत भैया। ये चार पंक्तियां यूं हैं कि गम का एहसास भी, ये माता पिता क्या है कि गम का एहसास भी होने नहीं दिया तुमको, गम का एहसास भी होने नहीं दिया तुमको, दर्द खुद पी लिया रोने नहीं दिया तुमको। अब दो पंक्तियों की ताली चाहते हैं दिव्या नेहा को बुलाने के लिए कि अब वही बाप तरसता है रोटियों के लिए, अब वही बाप तरसता है रोटियों के लिए, जिसने भूखा कभी सोने नहीं दिया तुमको। जो तालियां कविता लफाजी नहीं, मैं लफाजी के लिए पूरे देश से जाना जाता हूं, कहीं कहीं लोग मुझे जोकर के शब्द से यूज करते हैं, लेकिन जोकर राज कपूर ने भी बनाई थी, वहीं से राज कपूर का सितारा बुलंद हुआ। जोकर बोरिस ब्रोकर की तरह होता है जो जीत लेता है, और आज के बीच में हमारे जैसा कब मिलना मुश्किल है, हमारे मरने के बाद फिर नहीं मिलेगा, हमारा लड़कवा आया है हो सकता है बन जाए हमारे जैसा। छत्तीसगढ़ कार्यक्रम की शुरुआत माँ वाणी की वंदना से।